राजधानी में कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में कार में बैठे दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये घटना खमतराई थाना क्षेत्र के गोंदवारा शीतला तालाब में हुई है। बताया जा रहा है कि तालाब किनारे खड़े होकर शराब पीने के बाद कार स्टार्ट करने के दौरान अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले युवक प्रवीण सिंह और भूषण ध्रुव गोंदवारा निवासी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना हुई है कल रात खमतराई में, दो लोगों की मृत्यु हो गई है। ये खमतराई थाना क्षेत्र का मामला है। वहां पर गोंदवारा तालाब में जो है दो युवक गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी बंद थी, लेकिन अचानक एक ने जो है सेल्फ स्टार्ट कर दिया और गाड़ी चलने लग गई। तालाब में जो है गाड़ी घुस गई, जिसमें से जो दोनों युवक बाहर नहीं निकल पाए, दोनों की मौत हो गई है। इस पर अभी पंचनामा करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।